टपुकड़ा थाना पुलिस ने क्षेत्र के पाटनकला गांव में 14 मार्च को सरपंच प्रतिनिधि व अवैध खनन की वीडियो व फोटो बना रहे पत्रकारों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर कैमरा व मोबाइल बरामद किया। टपुकड़ा थाना अधिकारी राजकुमार ने बताया कि जानलेवा हमला मामले में नामजद तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने कैमरा व मोबाइल बरामद कर लिया है। नामजद आरोपी शौकत अमजद व फारूक निवासी पाटन कला को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में उनके निशानदेही पर शौकत के घर से कैमरा बरामद किया, जबकि अमजद के घर से छीना गया मोबाइल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। ये जो 14 तारीख को इन्होंने जो अवैध खनन करने वालों ने पत्रकारों के साथ, डिजिटल पत्रकारों के साथ जो मारपीट की घटना की है, साथ ही उनके मोबाइल के कैमरा जो छीन के ले गए थे, हमने इनको गिरफ्तार करने बाद में इनसे पूछताछ की। दौरान पूछताछ में स्वयं ने अपनी इतला दी कि ये मोबाइल व प्लस कैमरा हमारे घर में हमने छुपा रखे। तो शौकत के घर से आज सुबह हमने उसके घर जाकर देखी, उसके स्वयं के साथ ले जाकर तो अपने घर से उसने बरामद किया कैमरा जो पत्रकारों से उसने खूब छीना था। और दूसरा जो अमजद है, उसके घर जाकर उसे स्वयं की उपस्थिति में उसके घर जाकर उसने स्वयं ने बताया था कि वो जो मोबाइल मैंने छीना था वो मेरे घर पे है, जो जाकर उसकी उपस्थिति में उसने अपने घर से निकाल कर दिया, तो वो मोबाइल भी हमने बरामद कर लिया। दोनों जो कैमरा और मोबाइल जो पत्रकारों से मारपीट के साथ उन्होंने छीना था, वो दोनों बरामद कर लिया है। आज इनको हमने न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के पेश किया है और जो जैसी वहाँ पीसी रिमांड की करिए वैसे हमारी तफ्तीश होनी चाहिए और प्रयास करेंगे कि जो जो चोट लगी है किस कारण से लगी है उस पर और प्रयास कर रहे हैं और तफ्तीश में जैसी आगे कार्रवाई वैसे की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। धन्यवाद।